और आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सभी लोग जो है, सबसे पहले तो मेरा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता में समर्थन करते हुए मैं आज यहाँ मुस्लिम बस्ती में उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग जो हैं, सभी लोग समान नागरिक संहिता का समर्थन कर रहे हैं। कि सबसे पहली चीज़ है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी के लिए समान कानून। इसमें धर्म का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, धर्म साफ साफ कानून कह रहा है यूनिफॉर्म UCC समान नागरिक संहिता सभी के लिए एक समान कानून होगा, इसमें धर्म की बात ही नहीं आती है। क्योंकि अनुच्छेद 44 में अगर देखा जाए संविधान के, तो उसमें पहले से समान नागरिक संहिता लागू के निर्देश दिए जा चुके हैं। और वहीं दूसरा अनुच्छेद 15 भी है, उसमें सभी धर्मों को अपने अपने धर्म पद्धति के अनुसार पूजा पद्धति करने का पूरा अधिकार है और ये अधिकार किसी से भी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि जो ये नियम बनाया जा रहा है, ये कानून के द्वारा बनाया जा रहा है, धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वोट बैंक बढ़ाने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं जो कि इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि इसको उकसा रहे हैं मुसलमानों में। वरना एक भी मुसलमान ने अभी तक UCC के विरुद्ध में आकर नहीं बोला। सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति जो हैं वो राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने वाले लोग हैं, और जो राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने वाले लोग ये सब बोल रहे हैं, उनसे खुद सरकार ने सुझाव मांगा है कि आप UCC के लिए सुझाव दीजिए। अगर वो कुछ बोलना ही चाहते हैं तो सुझाव दीजिए, अगर उनका सुझाव ठीक लगेगा तो उसको पारित भी किया जाएगा। लेकिन वो सुझाव ना देकर लोगों को बलगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से, सभी बहनों से यही अपील करूंगी कि ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब ना होने दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भारी मात्रा में समर्थन करें। क्योंकि एक देश में एक कानून की आवश्यकता अब हो गई है। और मैं बता दूं कि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है, लेकिन वहां पर कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। उसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो क्या एक मुसलमान से नमाज पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या एक मुसलमान से दाढ़ी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या एक मुसलमान औरत को बुरखा ओढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या एक मुसलमान को टोपी लगाने का अधिकार छीन लिया जाएगा? जिसका जो धर्म है वो अपनी धर्म पद्धति के अनुसार पूजा पाठ नमाज कुरान सब कुछ पढ़ सकता है। सिर्फ ये नियम जो बन रहा है, ये एक कानून बन रहा है, ये धर्म के आधार पर नहीं, ये समान नागरिक के आधार पर बन रहा है। तो ये अभियान शुरू हो चुका है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये अभियान शुरू हो गया है और ये बहुत जल्द ही लागू भी हो जाएगा। और हम सभी लोग इसका समर्थन करते हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर लोगों ने आज अपने हस्ताक्षर भी दिए हैं और उन्होंने अपना नाम नंबर इस पोर्टल पर भी दिया है और सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि सभी लोग इसका समर्थन करिए, इसमें इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के आधार ही पूजा करेगा, ये पहले ही पुष्टि करा दी गई है। ये सिर्फ एक कानून है एक देश का, कि जहाँ पर लोगों को एक नियम से चला जाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। आज UCC के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहन कोमल नेहा जी हमारे पास पहुंची, काफ़ी तफसील से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि सरकार ने सुझाव मांगा है, लोग अपना सुझाव दें, अपना सुझाव दें, माहौल ख़राब ना करें, ऐसी वैसे मजामीन ना लिखें, अगर वो बेहतर है तो उसके ऊपर सभी लोगों को अपना अंगूठा लगाना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए। लेकिन इस कानून के आने पर किसी को रोज़े से, नमाज से, हज से नहीं रोका जा रहा है। बहरहाल सभी लोग इसके बारे में गौर करें, पढ़ें, अगर अच्छा है तो ज़रूर शांति के साथ इसका समर्थन करें। मैंने अभी तक पढ़ा है एक दो दिन के अंदर, और भी मैं पढ़ूंगा और देखूंगा, खोज करूंगा, है ना। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे तो ऐसा लगता है कि इससे किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ इसमें कोई काम नहीं हो रहा है और किसी भी मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब की
आस्था पर चलने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। बाकी मैं और इसका ध्यान से मुताला करूंगा, स्टडी करूंगा। ये सरकार ने जो राय मांगी है, इस राय पर सभी लोगों को हक है कि वो अपनी राय दें। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, सारा मामला राजी खुशी का है। मुसलमानों के अंदर जागरूकता आना चाहिए। अभी मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। अभी मुसलमान UCC की फुल फॉर्म भी नहीं जानते, अभी मुसलमान सिविल कोड के बारे में ही नहीं जानते। इसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाए। हाँ, मैं साफ कह रहा हूँ कि अगर किसी को इसके नुकसान दिखते हैं तो वो बताए कि इस कानून के आने के बाद ये नुकसान होंगे। कुछ सियासी लोग हैं कि जो वोट बैंक की खातिर अपने आप को चमकाने के लिए वरगलाते हुए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर अमन और शांति, एकता और अखंडता रहे, उस नाहिये से अगर देखा जाए तो हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। मैं भी गौर करूंगा। मेरे सामने भी अभी ये चीज़ आई है। आज कोमल नेहा जी हमारे बीच आई और उन्होंने काफ़ी बातचीत की। इससे पहले तो हम UCC के बारे में सुन रहे थे, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में मालूमात नहीं थी। आज उन्होंने तमाम साथियों को इसके बारे में बड़ी डिटेल से तफसील के साथ में बताया, और उम्मीद करता हूँ कि वो दोबारा भी ज़रूरत पड़ी लोगों के बीच में इस मौजू पे बात करने की तो बड़ी बहन ज़रूर आएंगी और इसके बारे में लोगों को बताएंगे। सरकार का ये नियम जो लागू हो रहा, अच्छा है क्या है? हाँ, अभी तक हमने जो देखा है तो उससे तो ये जाहिर है कि किसी भी मज़हब के आदमी को अपने मज़हब पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाकी मैं इसका और गहराई से अध्ययन करूँगा। अभी तक बिल्कुल मैं जो देख रहा हूँ दिन दो दिन से साफ सुथरा ही दिख रहा है, और मैं नहीं समझता हूँ किसी पे जुल्म होगा। समान नागरिक संहिता को लेकर के जहाँ देश भर के मुस्लिम नेताओं के बीच में खलबली मची हुई है और वो लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं समाजवादी गण इटावा से एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम मंच की संयोजिका कोमल नेहा मुस्लिमों के बीच में जा कर के उनको समान नागरिक संहिता को लेकर के समझा रही हैं कि यह एक्ट और कानून कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे के लिए है। लोग उनकी बात को समझ रहे हैं और उनके पक्ष में भी खड़े हो रहे हैं। तो इटावा से जो तस्वीर सामने आ रही है वह कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता को लेकर के एक सुखद संदेश ज़रूर दे रही है।